हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। ये 3 मीटर कपड़ा है, इससे हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से 2 बार ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम ये रखेंगे। अब हम सलवार की लेंथ देखेंगे। मेरी सलवार की लेंथ है 37 इंच। 37 तैयार है सलवार, तो उसमें हम 5.5 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आएगी, 8 इंच रखेंगे वो 5.5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो ऊपर से हम यहाँ से 5.5 इंच छोड़ते हुए, ये यहाँ से 5.5 इंच छोड़ते हुए और यहाँ से हम सलवार की लेंथ ले लेंगे 37 इंच। ये 37 है और इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। नीचे से पोंचे में जाएगा, थोड़ा सा ऊपर बेल्ट में जाएगा 38। यहां से हम 38 पर निशान लगा लेंगे। ये यहां से हम अब देखेंगे टोटल हमारा आया है ये 32.5। 32.5 आया है, यहां से भी हम 32.5 पर निशान लगाएंगे और यहां से हम इन दोनों को मिलाते हुए यहां से ये इस तरह से मिला लेंगे और इसे यहां से कट कर देंगे। अब हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। सबसे पहले ये जो हमारी बंद वाली साइड है, यहां से ये खुली हुई है, बंद वाली साइड से हम बेल्ट निकालेंगे। 8 इंच की बेल्ट मैं रखूंगी, तो 8 इंच यहां से निशान लगाएंगे। पूरे पर हम लंबाई में इस तरह से 8 इंच निशान लगा लेंगे पूरे पर। और यहां से इसे कट कर देंगे हम। कट करने के बाद ये जो हमारे ये हमारी बेल्ट है और ये जो हमारे बचा है कपड़ा, इससे हम ये बीच में जो लगती है हमारी, ये हम वो पोंचे वाली साइड है, ये पोंचा बनाएंगे इस पे। ये हमारी आई है 6.5 इंच और मुझे पोंचा भी 6.5 इंच ही बनाना है। तो ये हमारी यहाँ से पोंचे निकल गए हैं और इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट है मेरी यहाँ से 27 इंच। 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी, 27.5 ले लूंगी मार्जिन लेते हुए। यहां से भी 27.5 यहां से हम फिर कट कर लेंगे यहां से। बीच में से अलग कर देंगे इसे। ये हमारी अब बेल्ट भी निकल आई और पोंचे का भी निकल आया। अब हम इसमें से जो कपड़ा है ये इसमें से कलियां कट करेंगे। अब हम इस कपड़े को खोल लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। ये हमने इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को और इसे हम सीधा बिछा लेंगे। ये कपड़े को मैंने इस तरह से बिछा लिया है। अब हम यहां से जितने हमने पहले पोंचे की लंबाई की थी 32.5, उतनी हम यहां से 32.5 पर निशान लगा लेंगे 32.5। और यहां से हमने पोंचा 6.5 लिया था वो, और 6.5 ही मुझे रखना है, तो इसलिए मैं यहां से 1.5 इंच और लूंगी मार्जिन के लिए। अगर आपका वो कम है तो आप यहां से
एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा पोंचा चाहिए तो। मेरा वो पोंचा ठीक है, तो मार्जिन के लिए सिर्फ मैं यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ। और उस तरफ से भी हम इसी तरह से, ये हमने यहाँ से लंबाई ली है इस तरफ से, अब हम दूसरी उस तरफ से लंबाई लेंगे। ये हम यहाँ से यहाँ लंबाई पर निशान लगा लेंगे 32.5 पर, और यहाँ से भी हम 1.5 इंच ले लेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे ये इस तरह से। एक हम इस तरफ निशान आएगा हमारा और दूसरा उस तरफ निशान आएगा हमारा। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे, इसे यहां से उस निशान से मिला लेंगे यहां से, और यहां निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसे यहां से कट कर देंगे। इसे हमने कट कर दिया है, अब हम एक दूसरे के ऊपर इसे रखेंगे। ये हमने यहां से सेम रखने हैं। ये देखिए, ये मैंने एक दूसरे के ऊपर दोनों को रख लिया है, ये मिलाते हुए आपस में। अब हम यहां से आसन का निशान लगाएंगे, आपने जितना लेना हो आप यहां से आसन का निशान लगा सकते हैं। मैं यहां से 10 इंच पर लगा रही हूं निशान, आसन की लंबाई यहां से मैं 10 इंच ले रही हूं, और यहां से हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से अब हम यहां से भी, ये एक बंद है हमारा, इसे भी अलग कर लेंगे यहां से। ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारे कट गए हैं, और ये इसके साथ ये ऐसे जुड़ेगा, ये इस तरह से, ये हमारी इस तरह से जुड़ेगी, और ये ऊपर हमारी ये इस तरह से बेल्ट आएगी यहाँ। ये हमारी सलवार की कटिंग होगी है, और जो ये हमारा कपड़ा है इससे हम पोंचे बनाएंगे, पोंचे के लिए यूज करेंगे इसे इस तरह से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना।